आज का हमारा टॉपिक कंपैरेटिव वर्सेस नेशनल लिटरेचर पर होने वाला है जो कि अमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक को हम उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे टॉपिक में हम स्कोप एंड फोकस अप्रोचेज एंड मेथडोलॉजी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस अप्रोचेज टू टेक्स्ट और इसके अलावा ऑडियंस एंड ऑडियंस इंगेजमेंट इन्फ्लुएंस एंड कॉन्टेक्स्ट रिसर्च एंड अकेडामिक फोकस लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोस्पेक्टिव क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे तो बगैर टाइम वेस्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो जो कि होने वाला है डिफरेंस बिटवीन कंपेरिटिव लिटरेचर एंड नेशनल लिटरेचर जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्कोप एंड फोकस कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर वो लिटरेरी वर्क्स होते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेजेस और रीजन से बिलोंग करते हैं जिनको हमने एग्जामिन करना होता है इनको हम डीपली एनालाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जबकि नेशनल लिटरेचर में ख़ास तौर पर उन लिटरेरी वर्क्स पर तवज्जो दी जाती है जो कि एक ख़ास कंट्री और कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं नंबर टू पे हमारे पास आता है फोकस कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर ज़्यादातर कनेक्शंस, इंटरेक्शंस एंड सिमलार्टीज़ जो कि डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस में पाए जाते हैं उन पर जोर दिया जाता है जबकि नेशनल लिटरेचर के अंदर उन यूनिक कैरेक्टरस्टिक्स थीम्स और कल्चरल आइडेंटिटी की बात की जाती है जो कि एक ख़ास नेशन के लिटरेरी प्रोडक्शन में पाए जाते हैं अप्रोच एंड मैथडोलॉजी नंबर थर्ड पर हमारे पास आता है अप्रोच कंपेरिटिव लिटरेचर ज़्यादातर क्रॉस कल्चरल एनालिसिस और ग्लोबल कनेक्शन पर जोर देता है जबकि नेशनल लिटरेचर इन्वॉल्व होता है डीपली उस लिटरेचर के अंदर जो कि एक स्पेसिफिक कल्चर और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्ट से ताल्लुक रखता है नंबर फोर पर हमारे पास आता है मैथडोलॉजी कंपैरेटिव लिटरेचर एनालाइज करता है उस टेक्स्ट को जो कि मल्टीपल कल्चर्स से लिया जाता है जिसका मकसद उन डिफरेंट कल्चर्स के पैटर्न और इंटर टेक्चुअल रिलेशनशिप को फाइंड करना होता है नेशनल लिटरेचर के अंदर हम एग्जामिन करते हैं लिटरेचर के उस स्पेसिफिक कल्चरल और नेशनल बाउंड्री के हिस्टोरिकल सोशल और पोलिटिकल इम्प्लिकेशन को जो कि उस पर्टिकुलर कल्चर और नेशन से ताल्लुक रखते हैं ऑब्जेक्टि एंड गोल्स नंबर फाइव पे हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव लिटरेचर से मुराद है लिटरेचर के यूनिवर्सल थीम सिमिलरिटीज़ और ग्लोबल प्रस्पेक्टिव को समझना है जबकि नेशनल लिटरेचर के अंदर हम उस स्पेसिफिक नेशन के लिटरेचर को प्रिजर्व करते हैं उसके डिस्टिंक्टिवनेस को हाईलाइट करते हैं उसके कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करते हैं नंबर सिक्स पे हमारे पास आता है गोल कंपैरेटिव लिटरेचर को एक ब्रॉडर वे के अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके कॉमनलिटीज़ को जो कि डाइवर्स लिटरेरी ट्रेडिशंस में पाए जाते हैं जबकि नेशनल लिटरेचर का मकसद हमने उस यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी और लिटरेरी ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना और सेलिब्रेट करना होता है जो उस खास कंट्री से ताल्लुक रखते हैं इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर हम एक ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव को देखते हैं कॉमनलिटीज़ को देखते हैं डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस के अंदर जबकि नेशनल लिटरेचर के अंदर हम नेशनल आइडेंटिटी को देखते हैं उसके सोसाइटल वैल्यूज और हेरिटेज को देखते हैं नंबर एट पर हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस कंपैरेटिव लिटरेचर कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल लिटरेरी स्टडीज में और हमें मदद देता है कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझ सकें क्योंकि तो नेशनल लिटरेचर अहम किरदार अदा करता है एक कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन और आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर कर अप्रोच टू टैक्स नंबर नाइन पर हमारे पास आता है टेक्स सिलेक्शन कंपेरेटिव लिटरेचर के अंदर हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जो डिफ़रेंट कल्चर्स का होता है जिसके अंदर हमने उसके कनेक्शन और कंट्रास्ट को एक्सप्लोर करना होता है जबकि नेशनल लिटरेचर का फोकस उस टेक्स्ट पर होता है जो स्पेसिफिक कल्चरल लिंग्विस्टिक और नेशनल कॉन्टेक्ट से लिया गया होता है नंबर टेन पर हमारे पास एग्जामिनेशन डेप्थ आता है कंपेरिटिव लिटरेचर एक्सप्लोर करता है उस टेक्स्ट को उसके क्रॉस कल्चरल इनसाइट्स इन्फ्लुएंसेस और थीमेटिक पैरेलल्स के लिए जबकि नेशनल लिटरेचर एक स्पेसिफिक नेशन और कल्चर के हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर डीपली इन्वॉल्व हो जाता है ऑडियंस एंड ऑडियंस इंगेजमेंट नंबर इलेवन पर हमारे पास ऑडियस प्रोस्पेक्टिव आता है कंपेरिटिव लिटरेचर इंगेज करता है एक डाइवर्स ऑडियंस को जिसका मकसद होता है कि एक क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में उनका इंटरेस्ट पैदा किया जा सके उनको एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव दिया जा सके जबकि नेशनल लिटरेचर अपने ऑडियंस से ये अपील करता है कि वो एक स्पेसिफिक कल्चरल और लिटरेरी हेरिटेज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें नंबर ट्वेल्व पर हमारे पास आता है ऑडियंस इम्पैक्ट कंपेरेटिव लिटरेचर रीडर्स के परसेप्शन को ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और ग्लोबल कनेक्शंस के ज़रिए से इन्फ्लुएंस करता है जबकि जो नेशनल लिटरेचर है वो रीडर्स को कनेक्ट करता है उस यूनिक आइडेंटिटी और ट्रेडिशन से जो कि एक पर्टिकुलर नेशन का हिस्सा होते हैं इन्फ्लुएंस एंड कॉन्टेक्स नंबर थर्टीन पे हमारे पास लिटरेरी इन्फ्लुएंस आता है पैरिटिव लिटरेचर एक्सप्लोर करता है कि कैसे लिटरेरी ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स जबकि नेशनल लिटरेचर स्टडी करता है एक नेशन के हिस्ट्रिकल इंपैक्ट को उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को उसके कल्चर के ऊपर फोटीन पर हमारे पास कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आता है कंपैरेटिव लिटरेचर हाईलाइट करता है डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को और उनके एप्प्केशन को लिटरेचर के अंदर जबकि नेशनल लिटरेचर के अंदर एक नेशन के स्पेसिफिक कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की जाती है लिटरेचर के अंदर रिसर्च एंड एकेडमिक फोकस नंबर फिफ्टीन पे हमारे पास एकेडमिक एक्डेमिक्फोसिस आता है कंपैरेटिव लिटरेचर बेसिकली अपील करता है एकेडमिक्स को कि वो फोकस करें इंटरकल्चरल कनेक्शन और क्लोज लिटरेरी एनालिसिस के ऊपर जबकि जो नेशनल लिटरेरी स्टडीज़ है वो अट्रैक्ट करता है स्कॉलर्स को कि वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्पेसिफिक कंट्री के लिटरेरी और कल्चरल आइडेंटिटी को तो ये जो नेशनल लिटरेचर है ये स्कॉलर्स को एक अहम मौका फराम करता है कि वो एक कंट्री के लिटरेचर और उसके कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ सकें लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रस्पेक्टिव नंबर सेवेंटीन पर हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर कंपैरेटिव लिटरेचर हमें यूनिवर्सल थीम्स और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझने में मदद देता है क्योंकि नेशनल लिटरेचर के ज़रिए से हमें उस स्पेसिफ़िक कल्चरल वैल्यूज़ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और सोशल नॉर्म्स के बारे में पता चलता है जो कि एक स्पेसिफिक नेशन के होते हैं नंबर एटीन पर हमारे पास प्रस्पेक्टिव ऑफर्ड आता है जो कंपैरेटिव लिटरेचर है वो हमें एक ब्रॉडर और ग्लोबल प्रस्पेक्टिव देता है जबकि जो नेशनल लिटरेचर है वो हमें एक स्पेसिफिक नेशनल आइडेंटिटी हिस्ट्री और उसी के कल्चर के बारे में बताता है क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन नंबर नाइनटीन पर हमारे पास क्रिटिकल अप्रोच आता है कंपैरेटिव लिटरेचर का इस्तेमाल कंपैरेटिव मैथडोलॉजीज के क्रिटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में होता है जबकि नेशनल लिटरेचर का इस्तेमाल स्पेसिफिक नेशनल और कल्चरल फ्रेमवर्क में एनालिसिस और क्रिटिक के लिए होता है नंबर ट्वेंटी पर हमारे पास इंटरप्रिटेटिव लेंस आता है कंपैरेटिव लिटरेचर का इस्तेमाल एक ऐसे लेंस के तौर पे होता है जो कि हमें लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बारे में बताता है जबकि जो नेशनल लिटरेचर है उसका इस्तेमाल एक ऐसे लेंस के तौर पर होता है जो हमें स्पेसिफिक कल्चरल हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक नेशन के होते हैं उनके रूट्स के बारे में बताता है